यूपी के मेरठ में अवर अभियंता की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। वहीं बदमाशों ने जय की हत्या कर घर में लूटपाट को अंजाम भी दिया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुंगी स्थित एक कॉलोनी में अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट के विरोध में जय की हत्या कर दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। सनसनीखेज घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। एसपीसी साहब, एक मर्डर हुआ, क्या डिटेल है, क्या-क्या चीज सामने आ रही है? नलकूप कॉलोनी में एक अवर अभियंता है सुशील कुमार, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है। लगभग 9 बजे इनकी पत्नी हॉस्पिटल गई, इनके बच्चे भी इनके साथ गए थे, और लगभग आधे घंटे बाद जब ये वापस आई तो इन्होंने पाया कि इनके पति मृत अवस्था में हैं और हाथ पैर बंधा हुआ है और गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान थे। फील्ड यूनिट बुला लिया गया, टीमें बुला ली गई, हमारी सर्विलांस टीम भी आ गई है, छानबीन की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कोई घर के अंदर लूटपाट, जिस तरह से अलमारी वगैरह खुली पड़ी है? अलमारी खुली, उसको तस्दीक किया जा रहा है क्या है, क्योंकि घटना कुल 30 मिनट का मामला है और दो दो कपड़ों से हाथ पैर मुंह सब बांधा गया है, तो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। इसमें जो भी एस्पेक्ट है उसके मद्देनज़र आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने हत्यारे होंगे लगभग इसमें? कम से कम हमारे समझ से कम दो तीन से दो से कम तो कदापि नहीं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं।